This is an ABP Life podcast. कुल्लू का मेन विधानसभा क्षेत्र है जहां एबीपी लाइव पॉडकास्ट की टीम पहुंच चुकी है. आई एम आबिर लाहिरी. दिस इज अ इलेक्शन स्पेशल पॉडकास्ट कॉल्ड वोटकास्ट. एंड बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने के सिलसिले में कुल्लू के रास्ते में आज निकले हैं. हमारे साथ सर आपका नाम बताइए ना. देवेंद्र पाल सिंह साहब हैं. आप ओरिजिनली यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं. आपकी ये शॉप है जहाँ पे आप कपड़े बेचते हैं. क्या लगता है यहाँ का इस बार का चुनाव का कैसा माहौल है? चुनाव का माहौल तो बहुत गर्म है इस बार. अच्छा, तो इस बार बीजेपी के भी कैंडिडेट दो खड़े हैं. अच्छा, एक बीजेपी का है, एक आजाद खड़ा हो गया. अच्छा, यहाँ पे वैसे कुल्लू में जब मेरी आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, आप बोल रहे थे चार सीटें हैं. कौन सी चार सीटें हैं ये बता दीजिए. कुल्लू विधान कुल्लू की एक मनाली बंजार आनी. अच्छा, तो और यहाँ पे अभी किसका किसकी सीट है फिलहाल? कौन जीते हैं अभी फिलहाल पिछले पाँच साल से सुंदर सिंह कांग्रेस के, जो कांग्रेस के हैं. और इस बार क्या आसार लगता है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या कहती है? आपके ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं? लगता है कि द्वारा सुंदर सिंह आएगा. अच्छा, और बाकी स्टेट में? स्टेट में ऐसा कि बदलाव होता है. यहाँ पर हिमाचल में 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस आती है. इस बार उम्मीद है कि शायद कांग्रेस आ जाए. अच्छा अच्छा, आप एक व्यवसायी हैं, आपका एक अच्छा खासा मार्केट में एक दुकान है. व्यवसायियों को क्या चैलेंजेस फेस होते हैं? मतलब आप लोगों की क्या डिमांड रहती है कि क्या मिले सरकार से, क्या फ़ायदा मिले? सरकार दुकानदार को कुछ नहीं देती. जो भी कुछ करेगी कर्मचारियों के लिए करेगी, दुकानदारों को कुछ नहीं देती वो. बट दुकानदारों को क्या मिलना चाहिए? दुकानदारों की उम्मीदें क्या रहती हैं? उम्मीदें होती हैं हमारे को. यहाँ मेला लग गया. अच्छा, दशहरे का एक महीने का रहा तो बाज़ार खाली हो गया. कोई ग्राहक नहीं आया बाज़ार में. दुकानदार भूखे मर गए. और 4 साल से बोधनाथ का एक पुल है, वो आज तक नहीं बना बीजेपी के राज में. अच्छा, तो सरकार ने कुल्लू के लिए कुछ नहीं किया. यहाँ टूरिज्म से फ़ायदा मिलता है? टूरिज्म से मनाली को फ़ायदा मिलता है, कुल्लू से नहीं. कुल्लू में टूरिस्ट आते हैं वैसे? आते हैं पर कम ठहरते हैं. ठहरते मनाली में. अच्छा, मनाली की सीनरी बहुत अच्छी है. ऊपर लौल तक जाते हैं वो लोग. तो वहाँ का व्यवसाय बहुत अच्छा है, होटलों का, दुकानदारों का. रात को भी बाजार 1-1 बजे तक लगे रहते हैं. और यहाँ पे? यहाँ पे तो रात को 8 बजे बंद हो जाता है बाजार. सब पूरा शहर बंद हो जाता है? कुछ नहीं होता, सुनसान हो जाती है यहाँ तो. बट यहाँ की भी मतलब हम जब रास्ते से आ रहे थे देख रहे थे, सीनरी बहुत सुंदर है. ऐसा तो है नहीं कि एकदम बुरा शहर है, लोग भी काफ़ी अच्छे. टूरिस्ट प्लेस नहीं है, टूरिस्ट प्लेस जो है मनाली बन चुका है. तो टूरिस्ट प्लेस इसको बनाने के लिए किसी ज़माने में बहुत फेमस था कुल्लू भी. सरकार सोचे कुछ नहीं है. सरकार सोचे तो ना, ये सोचते हैं अपने लिए. हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा. दुकानदारों के लिए टैक्स लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया. हाँ जी, हमारे तो कुछ नहीं दिया इन्होंने. बाकी अपने सोचते हैं सब कुछ. जो भी आएगा अपना सोचेगा, हमारा कुछ नहीं. एक बात बताइए ना वीर जी, अगर आपको बोला जाए कल की डेट में कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, यहाँ के व्यवसायी को फायदा मिला जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे या आप क्या चाहते हैं कि दिल से क्या आवाज़ निकले? हम तो कहते हैं भी आए टूरिस्ट प्लेस, कुछ ऐसा सीनरी बना दें, कुछ ऐसी जगह बना दें जहाँ से टूरिस्ट आए. पर यहाँ कोई स्कोप नहीं है कुल्लू के. लोग आते हैं मनाली में बर्फ़ देखने के लिए. अब बर्फ़ पड़ने वाली है तो टूरिस्ट आएगा, नेचुरली आएगा. हर साल आता है मनाली में, है कुछ नहीं वैसे देखा जाए तो बाजार में. वो फिर भी लोग आते हैं, बर्फ़ के लिए आते हैं वो. कुल्लू में बर्फ़ पड़ती नहीं है. यहाँ पड़ेगी तो कभी जाके 2-4-5 साल के बाद पड़ भी गई, थोड़ी सी पड़ेगी, मामूली सी, वो टिकती नहीं है. मनाली में टिकती बर्फ़. समझिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. एंड उम्मीद करेंगे कि आपका धंधा बहुत अच्छे से चले और जो आपकी तकलीफें हैं वो आने वाली सरकार या जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो सही करे. बिल्कुल ठीक है जी. बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है जी.